मैं जब से आर्चरी शुरू की तब से मेरा यही ख्वाहिश था कि मैं ओलंपिक खेलूं। तो आज वो मेरा सपना वो सच होने जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड कप था वो बहुत अच्छा था फर्स्ट वाले से, तो मेरे लिए वहीं से अपनी जीत शुरू हुई थी कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है सेकेंड वर्ल्ड कप में। वहाँ पर हर एक मैच, हर एक एरो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इस बार हमने प्रिपरेशन कुछ अलग तरीके से किया। बहुत सारे पोडियम मैचेस खेले हैं। तो पहले हम लोग वर्ल्ड कप जाते थे या कहीं भी जाते थे, इतना पोडियम मैचेस नहीं खेलते थे। तो पहले वर्ल्ड कप में हम लोग हारे, उससे कुछ सीख मिला, उसको आके यहाँ इम्प्लीमेंट किए, फिर उससे इम्प्रूव किए। जो टूर्नामेंट खेलने जाते थे उसमें यही सोचते थे कि हाँ इसको पूरा बेस्ट देना, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो। तो इसमें भी बस यही सोचा था कि ओलंपिक्स में भी पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं हम धीरे धीरे इम्प्रूव भी किए, तो मुझे लगता है इस बार भी कुछ अच्छा ही है। ये बहुत एडवांटेज है कि दीपिका दी मतलब ये फोर्थ टाइम ओलंपिक जा रही है, तो उनको सब कुछ पता है कि वहाँ पे सिचुएशन कैसा हो सकता है। क्योंकि दीपिका दी सबसे बड़े हैं, अंकिता दी भी बड़े हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो अगर कुछ भी किसी से भी कोई गड़बड़ होती है तो वो अच्छे से उसे समझाते हैं, बताते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये बड़ी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से सब समझाते हैं। टीम का स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन और कॉम्बिनेशन होता है। सो डिपेंड कि उस सिचुएशन में टीम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। सो हम काफ़ी एक दूसरे से बातें करते हैं और किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो सी चीज़ें हम एक दूसरे को बता रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हाँ अब 10 ही चाहिए, तब अगर ये सोचेंगे कि हाँ अब 10 मारना ही है तो कभी भी नहीं लगता। तब अपने प्रोसेस पे फोकस करते हैं और वही तीर भी ठीक जाता है। तो आई थिंक वही बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ हो जाता है टीम के लिए कि आप कैसे टफ सिचुएशन में या फिर अच्छे सिचुएशन में कैसे एक दूसरे को स्ट्रांगली आप एक दूसरे को कन्वे करते हैं अपनी बात। मैं अपने आप से कितना परफॉर्मेंस दे पा रही हूँ वो मुझे खुद को पता होता है, तो मैं वो भी देखती हूँ मैं अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ तो मतलब मैं अपना 100% दी, बाकी मैं अगर अपना 100% दूँगी तो मेडल तो ऑब्वियसली आएगा ही। यस, हम कॉन्फिडेंट है टूर्नामेंट के लिए और हम वहाँ से मेडल लेके वापस आएंगे।